आप में बहुत खूबसूरत हैं। बाय बाय भला लगो तो मुंह मिलवे। तो सभी लोग लेके आए हैं रोटी वगैरह। हेलो यूट्यूब फैमिली, बड़ू को प्रणाम, छोटू को ढेर सारा प्यार, मेरे आर्मी वाले भाई बहन को, मेरे किसान भाई बहन को खास प्रणाम। अभी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग से, तो नहा धो के कपड़े वगैरह धो के खाना वगैरह खा लिया है। तो आज हम लोगों ने जाना है बहुत दूर, जो वहाँ पे पहाड़ दिख रहे हैं ना बड़े बड़े, उनके पीछे साइड जाना है। ये है हमारी कत्यूर घाटी और वो है हमारी लाहौर घाटी। तो लाहौर घाटी में आज हम लोग जा रहे हैं और आप लोगों को ले चलते हैं हम आज लाहौर घाटी की खूबसूरती दिखाने के लिए। सुबह सुबह की चाय भी मेरी हो गई है। अभी हम आए हैं ग्राम सभा जाक में और यहीं से करनी है अब नदी पार। जिस गांव में हम जा रहे हैं, इस गांव का नाम है जाक। ये है लाहौर घाटी का गांव और यहाँ ना एक ऐसा लग रहा है कि यहाँ के एक अलग ही दुनिया में हम आ गए। बिल्कुल मार्केट से कटा हुआ गांव, बिल्कुल चारों ओर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और उन पहाड़ों के बीच में ही बसी है लाहौर घाटी, जिसमें आते हैं हमारा 13 से 14 गांव। तो जो अपने आप में बहुत खूबसूरत, मीनाक्षी मैडम लोग नदी तैर। आजकल नदी का बहाव कम है लेकिन पानी ना बहुत ज़्यादा साफ है और जगह जगह मछलियाँ खूब सारी दिख रही हैं। यहाँ ना जैसे लोग पेड़ पौधों से सब्जियाँ तोड़ के लाते हैं, ऐसे यहाँ के लोग मछलियाँ पकड़ते हैं। जॉब में भी साथियों चुनौतियाँ बहुत हैं, उबड़ खाबड़ रास्ते, बीच में नदी और ऊपर चट्टान वगैरह, और ऑफिस वर्क में भी पूरा रिकॉर्ड वगैरह रखना तो आसान नहीं है हम लोगों के लिए। इधर घाटी का बहुत प्यारा सा दृश्य और सभी लोग जा रहे हैं अभी ऊपर चढ़ाई को। तो अभी हम इस गांव में भी जा रहे हैं तो यहां पर भी हमारा थोड़ा प्रोग्राम है। तो सभी लोग, ये हमारे गरुड़ ब्लॉक का सबसे लास्ट वाला गाँव, तो आज इसी बहुत इंटीरियर है। यहाँ से बागेश्वर नज़दीक होता है लेकिन हमारा गरुड़ ब्लॉक बहुत दूर, तो लास्ट गांव है हमारे गरुड़ ब्लॉक का, बहुत दूर भी है और यातायात के साधन भी कम हैं। रोड तो हैं लेकिन गाड़ियाँ सीमित हैं यहाँ पे। तो यहीं पे है हम लोगों का जो जनसंख्या स्थिरीकरण है पखवाड़ा, तो उसके प्रचार प्रसार के लिए आज हम इस गाँव में आए हैं। एनम मैम, हमारे सीएचओ मैम, आशा बहन लोग सब आ रहे हैं पीछे से, लोग जा रहे हैं आगे से। तो यहीं पर 12 से 24 जुलाई को जो जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा है उसकी हम लोग यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं महिलाओं के साथ, तो थोड़ा जागरूकता अभियान यहाँ पे हो रहा है। बाय बाय भला लगो तो मुंह मिलवे।
तो यहाँ पे मीटिंग भी हम लोगों ने कर ली है और घर घर जाकर भी 20 से 25 लोगों को हम लोगों ने प्रेरित किया। जहाँ हमारे वहाँ अभी आजकल मडुआ जम रहा है तो यहाँ तो इतना बड़ा हो गया है। और यहाँ ज़्यादातर ना उपराऊ है तो इतने बड़े भट्ट वगैरह के पेड़ भी हो गए हैं पूरे, तो ये दाल के पेड़ हैं सारे। यहाँ पे बैलू से कर रहे हैं खेतों की जुताई, फिर इसको तोपाई कहते हैं। वैसे खेत में धान पहले से ही बोली हैं और बड़े और घने हो गए हैं तो बैलों से ऊपर से तुपाई करके अतिरिक्त धान निकाल देते हैं। इनमें धनिया डाल दिया है, पूरे लिटा दिए हैं, तो अब इनको नेव लेंगे और बहुत अच्छी धान की फसल होती है यहाँ पे। अलग अलग जगह ना अलग अलग प्रकार से खेती की जाती है। ये होंगे आपके वहाँ गमलों में फूल, यहाँ हमारी लाहौर घाटी में तो इतने प्यारे प्यारे फूल खिलते हैं यहाँ खेतों के किनारे पे। कितने खूबसूरत लग रहे हैं फूल के पेड़, छोटे छोटे फूल हैं जो अपने आप में बहुत खूबसूरत हैं। प्रकृति की सुंदरता हमारे पहाड़ों में ना देखते बनती है, जो यहाँ आ जाता है तो यहीं का होके रह जाता है। भले यहाँ हर चीज़ का अभाव है, यातायात एक सीमित मात्रा में, सुबह शाम गाड़ियाँ चलती हैं और यहाँ अभी लोग ट्रैक्टरों से भी नहीं करते जुताई बुआई, सारी चीज़ें जो हैं अभी आप लोगों को मैंने दिखाया बैलों से ही कर रहे हैं। तो बहुत खूबसूरत गांव ये अपने आप में है बिल्कुल। आलू को आप लोग बहुत चाव से खाते हो, ये हैं उनके पेड़, ये मांस के पेड़ हैं, मांस की खेती मैंने बहुत ही ना। इतने प्यारे प्यारे मकान हैं पुराने ज़माने के। इन खूबसूरत घरों को सवारे हैं यहाँ गाँव में रहने वाले लोग जिन्होंने अभी पलायन नहीं किया है। और यहीं पे कुछ स्थानीय लोग ना बड़े से फील्ड में घोड़ों को चरा रहे हैं, तो थोड़ी देर मैं भी चली जाती हूँ। और ऊपर से हो रही है थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, तो इस मौसम में ना थोड़ी देर मैं भी यहाँ का आनंद उठाती हूँ। बाकी साथी तो आ नहीं रहे हैं, उन्हें डर लग रही है कि कहीं घोड़ा लात ना मार दे करके। पर है खूबसूरत सा निंगालू का पेड़, ये कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा प्रोग्राम रहा सीएचओ मैम, थैंक यू, बहुत ही अच्छा। और हमारी एनम दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए, और सभी आशा बहनों का भी, और हमारी बीएलओ मैम, सभी लोग आए हैं। हम मैम लोग जा रहे हैं अपने टू व्हीलर में रोड जो हम जाएंगे एट व्हीलर में से मेरी दो क्यूट से आशा, एक तो आशा दीदी है मेरी बुढ़िया वाली और ये यंग वाली है, वो बैठे हैं और मैं और बिमला यहाँ बैठे हैं। बिमला ले रही है प्रकृति का नज़ारा, प्यारा सा गांव दाड़ी खेत। पहाड़ों में जहाँ घर दूर दूर होते हैं तो दाड़िम खेत गाँव की एक खासियत यह है कि वहाँ सारे घर चिपके हैं और लोगों में आपसी प्रेम बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। यहाँ पर से भी ये आशा दी भी मिल गई हमें, ये अपने किसी रिलेशन के वहाँ गए थे, वहाँ पे कुछ थोड़ा हानि हुई थी तो अभी आशा दी भी फिर हमारे साथ ही हो गए। ये ऊपर रहा हमारा एनम सेंटर और वेलनेस सेंटर जो कि नदी के बिल्कुल किनारे है और हमेशा एक खतरा बना रहता है। यहाँ का मौसम इतना अच्छा है कि बिल्कुल गर्मी का आभास नहीं हो रहा है। इन पहाड़ों से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बिल्कुल शांत वातावरण।
मन कर रहा है कि यहीं रह जाएं। और ढेर सारा पानी, ऊंची ऊंची पहाड़ और खेत खलियान मन को ना बिल्कुल अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ पे हम रुके हैं, ये स्थान है बहुत ही धार्मिक, बली बुबू का मंदिर। यहाँ पे जुड़ी हैं कुमाऊँ और गढ़वाल और हमारी लाहौर घाटी और कत्यूर घाटी की पूरी आस्था। तो यहाँ पे बहुत भव्य मंदिर है और होती है पूजा अर्चना। तो साथियों, काम के साथ साथ पेट पूजा भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे है गढ़खेत और जखेड़ा वाली रोड। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लोकेशन हम लोगों को लगा, तो यहाँ पे हम लोग अब खाना खा रहे हैं। तो बांटने का काम ना हमारी मैडम करेंगे, अनुजा मैडम, वो बहुत अच्छा बांटने का काम करते हैं। बांटने का काम करती है अनुजा मैडम। तो सभी लोग लेके आए हैं रोटी वगैरह, सब्जी। हाँ, छोटा सा पिकनिक हमारी। मैम रोज ऑफिस में ही रहती हूँ, ऑफिस जो अच्छा लग रहा है, यहाँ अच्छा लग रहा है। ये वादियाँ मेरे से नहीं हो पा रहा है इंतजार, मैं तो खा लेती हूँ। वाह, उसे कहते हैं जंगल में मंगल। विमला को मैं खिला रही हूँ क्योंकि मेरी चम्मच हो गई थी गीली। हम घर की ओर जो साल नौकरी करते हैं ना हम लोग हत है। पहुंच गई हूँ घर और यहीं पे करती हूँ मैं अपने ब्लॉग को समाप्त। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें, और जो पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। बाय बाय, कल फिर मिलूँगी आप लोगों के बीच एक नया ब्लॉग लेके। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय पहाड़।